शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो वहीं कुल्लू विधानसभा के 225 स्कूलों में भी मल्टीटास्क वर्कर के लिए सैकड़ों लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है। ऐसे में उपमंडलाधिकारी कुल्लू की अध्यक्षता में गठित समिति अभ्यर्थियों का चयन करेगी और SDM कार्यालय कुल्लू में भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा खंड कुल्लू 1 में 21 से 23 जून के बीच SDM कार्यालय कुल्लू में साक्षात्कार होंगे। विभागीय शेड्यूल के अनुसार 23 जून को राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामनगर, हवाई 2, नीनू, कोईशुधार, ढलान, प्रोहधार, माध्यमिक पाठशाला शमशी, पुलगा, कसौल, रुआड, प्रोहधार और कलहेली में सृजित पदों पर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में इन पदों के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन 2 फोटो के साथ सादे कागज पर संबंधित विभाग के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पूर्ण दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को पंचायत सचिव द्वारा जारी कुल्लू दूरी प्रमाण पत्र, स्कूल और वार्ड संख्या प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, विधवा, अत्यंत गरीब, एकल महिला, अनाथ या विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि आवेदक की ओर से विद्यालय को भूमिदान में दी गई है तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही में यदि उम्मीदवार SC ST OBC नहीं है तो उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र जमा करना होगा। SDM कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि शिक्षा विभाग में ये पद भरे जाएंगे और इसकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। हमारे पास 225 के करीब स्कूल हैं, उसमें 225 का ही चयन होना है और लगभग इसके लिए 1800 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना अपना दावा भरा है और हम जो है बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट SC ST OBC और आपका डोनेशन जिन्होंने किया है और आपका वुमेन डेजर्टेड अपंग्स ऑर्फेंस ये सारे फैक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स अलॉटेड हैं, प्रदेश सरकार द्वारा ऑलरेडी निर्धारित हैं। तो उन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से और फिर जो आखिर में जो अगर क्लब हो जाए कैंडिडेट तो हम उसमें एज और इनकम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। तो अभी तक जो है तीसरे दिन का हमारा प्रोसेस है और लगभग जो है हमारे 150-160 के करीब स्कूल्स हो चुके हैं और अभी 3-4 दिन का प्रोसेस लगेगा सारा सब कुछ कंपाइल करने में। तो लगभग 3-4 दिन के अंदर हम जो है रिजल्ट आउट। वहीं मल्टीटास्क वर्कर के लिए आवेदन देने पहुंची महिला नूरमा देवी का कहना है कि मल्टीटास्क वर्कर के माध्यम से बेरोजगार लोगों को भी रोजगार का अवसर प्रदान होगा और वे मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मेरा नाम नूरमा देवी है, मैं दियार से हूँ, ना स्कूल का नाम कमांड है, वार्ड नंबर 2 से हूँ। तो कुल्लू में हमारा मल्टीटास्क का वो इंटरव्यू है आज, तो आज इसलिए बुलाया। हमारे को बड़ी बार भीड़ पड़ी है यहाँ पे, तो हमारे को भी उम्मीद है जैसे कि मतलब जितने भी बेरोजगार यहाँ पे है भाई इनको रोजगार मिलना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाए हमारे से, कोई विधवा से, कोई मतलब अपंग है जैसे क्या बोलते बेरोजगार है दूरी का मंगवाया है, जिन्होंने ज़मीन दी है उनको बुलाया जैसे मतलब हाँ इतने आया जैसे मतलब के बेरोजगार है इतने। देखो इतनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, अच्छा मतलब के बेरोजगार मिलना चाहिए, ज्यादातर तो लेडीज को मिलना चाहिए, लेडीज बेरोजगार होती है जैसे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर के रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।